गुरु का पुतला। गुरु, आज तुमको मेरे साथ बाजार चलना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दादी, आप रवि भैया को लेकर जाइए ना, मैं जाकर क्या करूँगा? क्यों, तुम क्यों नहीं चल सकता? तुमको कोई काम है? हाँ, वो कुछ काम ही है। क्या काम है बताओ? नहीं, कुछ नहीं है। ये बहानाबाजी बंद करो और मुझे ठीक एक घंटा बाद रेडी होकर मिलना। क्या हुआ गुरु, तुम दादी के साथ बाहर क्यों नहीं जाना चाहते? तुम चलते तो इसी बहाने मैं भी बाजार चल पड़ता और किसी दुकान से मोदक खाने को मिल जाते। हाँ, लेकिन आज मुझे निकी के साथ उसके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने उसे प्रॉमिस भी किया था, अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगी, और अगर दादी के साथ नहीं गया तो वो भी नाराज हो जाएंगी। कुछ करो गणेशा। मतलब अगर तुम एक ही समय पर दो जगह पहुंच पाओ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ, पर ये कैसे पॉसिबल है? गणेशा के लिए सब कुछ पॉसिबल है। ओहो, बल्ले बल्ले चकते पट्टे, ओ शाबाश चकते पट्टे। हाय गणेशा। हाय गुरु। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरी तरह बोलता है। वाओ गणेशा, यू आर ग्रेट। इसका एक नाम भी रखते हैं। हाँ, गुरु की तरह इसका नाम होगा गुरु। गुरु, कहाँ हो? तैयार हुए कि नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ दादी। चलो चलो जल्दी करो, हमको पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब मैं जाऊंगा निकी के साथ पार्टी में। सामान। वेरी गुड गुरु, वेरी गुड। चलो उधर से कुछ फ्रूट्स भी लेते हैं। थैंक यू निकी। हेलो जुकी भैया। हाँ हाँ, हेलो। हेलो जुकी भैया। अभी अभी तो गुरु इधर से अंदर गया, फिर दूसरी तरफ से कैसे आया? दादी को बताओ। नहीं 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 नहीं, हो सकता है इस बार सच में मेरा मन का वहम हो। गुरु, अब इस पुरु का काम खत्म हो गया है। अरे नहीं नहीं गणेशा, थोड़ी देर रहने दो ना प्लीज, अभी तो मजा आने लगा है। देखो ना, पुरु भी तो एंजॉय कर रहा है ना पुरु? हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। गुरु, पर दो दो गुरु रखने का क्या फायदा? बस कुछ दिन और गणेशा, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, पर ज्यादा दिन नहीं। ओके गुरु, आज मेरी जगह तुम स्कूल चले जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ठीक है गुरु। आज मेरा हॉलिडे, दिन भर गेम खेलूंगा। गुरु, ये तुम्हें भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा तो मैं संभाल लूंगा। गुरु, आजकल तुम पहले से भी ज्यादा स्मार्ट लगने लगे हो। आई लाइक इट। निकी पुरु के साथ, अब तो मैं उसके सामने भी नहीं जा सकता, उसे सब पता चल जाएगा, और पुरु ने किसी को बता दिया तो। ये मेरे गुरु है इसलिए बहुत स्मार्ट है। गणेशा, इधर आओ। अभी आता हूँ।
गणेशा, ये पुरु निकी के साथ क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ही उसे भी अच्छा लगता है, इसलिए निकी भी उसे अच्छी लगी। हा? और आखिर पुरु ही गुरु है तो क्या फर्क पड़ता है? पर अच्छा अच्छा, अभी मुझे निकी और पुरु के साथ पिकनिक पर जाना है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, पुरु को स्कूल ना भेजता तो वो निकी से कभी नहीं मिल पाता। आज मुझे स्कूल जाना है, वो भी पुरु के पहुंचने से पहले। निकी, तुमने मुझे बुलाया? अरे नहीं, मैं तो यही हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। अच्छा बच्चे, मेरी आवाज सुन के भी नहीं रुक रहा है। ओहो, ये पुरु आज भी पहुंच गया। अब मुझे स्कूल इससे पहले पहुंचना होगा। गणेशा, आज कुछ भी करके मुझे स्कूल जल्दी पहुंचा दो। ओके। मैं आई कम इन सर? नो कम इन। तुम्हें याद नहीं कि कल मैंने तुम्हें सजा दी थी? एक हफ्ते तक तुम क्लास के बाहर ही खड़े रहोगे। आई बात समझ में? सर, पर मैंने क्या किया? लो, अब इन्हें याद भी नहीं कि इन्होंने क्या किया था। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। तुमने ये किया था। ये किसने बनाया सर? तुमने बनाया है तुमने। कल भी तुम अपने इसी कारनामे पर इसी तरह हंस रहे थे, इसीलिए तुम्हें ये सजा मिली और आज भी तुम्हें ये ही सजा मिलेगी। अब तो तुम्हें और सजा मिलेगी। आज ही मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ, समझे? ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। सर, एक गलती दो बार की है तो डबल सजा। ये क्या, एक समोसे का बिल 1257 रुपए? समोसे के 10 रुपए हैं, बाकी 1247 रुपए तो कल के बिल के हैं, जो कल तुमने अपनी पूरी क्लास को ट्रीट दी थी, भूल गए? ट्रीट? मेरे पूरे महीने का पॉकेट मनी उसने एक दिन में खत्म कर दिया। तुमने मेरे दोस्त डिम्पी की बोल छीनी थी? मैंने? हाँ हाँ, तुमने। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। रुको, गुरु रुको। गुरु। गणेशा, गुरु कहाँ है? उनका तो आज स्कूल से छुट्टी करके मैजिक शो देखने जाने का प्लान था। मतलब आज मुझे स्कूल पिटवाने के लिए भेजा था और खुद मैजिक शो देख रहा है? उसने तुम्हें कब कहा स्कूल जाने के लिए? उसने नहीं कहा। मुझे लगा कि मैं स्कूल जाऊंगा तो पुरु निक्की से नहीं मिलेगा, पर उल्टा हो गया। गणेशा, इस पुरु के बच्चे को जहाँ से लाए हो वही भेज दो। पर अभी तो एक ही दिन हुआ है और तुम्हें तो कुछ दिन और उसके साथ मजा करना था ना? मुझे अब उसे एक मिनट के लिए भी नहीं रखना है, जल्दी वापस भेज दो उसे। लेकिन उसके लिए उसे यहाँ होना चाहिए। अभी लेकर आता हूँ उसको। ये क्या, दो दो गुरु? मैं असली गुरु हूँ निकी, ये नकली है, इसे गणेशा ने बनाया है। ये झूठ बोल रहा है निकी, मैं असली गुरु हूँ। मैं असली हूँ? नहीं, मैं असली हूँ। तुम नकली हो? नहीं, तुम नकली हो। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। देखो गणेशा, ये क्या कह रहा है कि मैं नकली हूँ और वो असली है? हाँ गणेशा, तुम ही बताओ कि असली कौन है और नकली कौन है। अरे ये क्या, दोनों ही गुरु होने का दावा कर रहे हैं, मैं भी कैसे पहचानूं? गणेशा, तुम अपने गुरु को नहीं पहचान रहे हो, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम भूल गए गणेशा, मैं ही तुम्हें इंडिया हाउस लेकर आया था। इन दोनों गुरु को तो एक एक बात पता है, तो पता कैसे लगाओगे गणेशा? मैंने पुरु में उसकी सारी मेमोरी डाल दी थी, अब तो मेरा सिर भी चकराने लगा है। मैंने गुरु को एक फ्रेंडशिप बैंड दिया था, हमारी दोस्ती की निशानी, वो किसके पास है? हाँ, वो मेरे पास है। ये रहा, देखो गणेशा, इसने मेरा बैंड भी चुरा लिया। हाँ, मैंने चुराया? ये तो मेरे पास ही था। नहीं, ये मेरा है। नहीं, मेरा है। लाओ ये बैंड मुझे दो। एक काम करते हैं, इस बैंड को तोड़कर आधा आधा तुम दोनों को बांट देता हूँ, दोनों खुश। हाँ, ये सही रहेगा।
नहीं रुको, मत तोड़ो। ये तुमने मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट किया था। नहीं गणेशा, अगर ये टूट गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दे दो इसे। इसका मतलब तुम ही असली गुरु हो, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा गुरु इस बैंड को टूटने नहीं देगा। गणेशा, तुमने मुझे पहचान लिया। नहीं नहीं गणेशा, मैं भी यही कह रहा था। अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है पुडू। ओह थैंक गॉड, वापस से एक ही गुरु है, वरना मैं तो फिर से कंफ्यूज हो जाती।